हाउ टू ग्रो पम्पकिन सक्सेसफुली। हाउ टू ग्रो पम्पकिन, कद्दू की खेती कैसे करें, कद्दू की उन्नत खेती के क्या तरीके हैं। हाउ टू प्लांट पम्पकिन सीड, एक बीज से हम कद्दू का पौधा कैसे तैयार करते हैं। आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में कि किसान कद्दू की खेती यदि करे तो वह कौन कौन से अपने कृषि तरीके अपनाए जिससे वह अधिक से अधिक फायदा कमा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं कद्दू की उन्नत खेती, हाउ टू ग्रो पम्पकिन्स सक्सेसफुली, कैसे हम कद्दू को उगा सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। तो उससे पहले एक गुजारिश करना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कद्दू की खेती करने के लिए। सबसे पहले हमें इसके जलवायु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कद्दू की खेती किस जलवायु में सबसे अधिक और सबसे अच्छी होती है। कद्दू की फसल एक लतादार सब्जी की फसल में माना जाता है, यह नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। कद्दू का बीज जिसको द्विबीजपत्री पौधों की श्रेणी में रखा गया है। कद्दू फल का उपयोग सब्जी बनाने के साथ साथ अन्य पकवान बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कद्दू की खेती के लिए जलवायु, किसान भाइयों दोस्तों गर्म जलवायु में कद्दू की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जा सकती है। कद्दू की खेती के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु दोनों ही उपयुक्त माने जाते हैं। इसकी बढ़वार के लिए, इसकी खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम सबसे उत्तम तापक्रम माना गया है। सर्दियों में इसको पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है। कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त भूमि या उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। तो किसान वायु, उचित जल निकास वाली उपजाऊ भूमि कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। जिस खेत में पानी का भराव अधिक समय तक रहता हो वह भूमि या वह खेत कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो किसान भाइयों ऐसे खेत में कद्दू की खेती या फसल ना करें। कद्दू के लिए खेत की तैयारी, खेत की तैयारी के लिए 3 से 4 बार देसी हल से खेत की जुताई कर देना चाहिए और आखिरी जुताई के समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद अपने खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए और उसके बाद अलग अलग क्यारियां बना देना चाहिए जहां पर हम कद्दू के बीजों को लगाएंगे। कद्दू के बीजों का बोने का समय, किसान भाइयों कद्दू के बीजों का बोने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसकी खेती किस क्षेत्र में कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसे साल में 2 बार उगाया जाता है, फरवरी मार्च में तथा जून जुलाई में। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसकी बुवाई आपको मार्च अप्रैल में करनी चाहिए। बीज की मात्रा, कद्दू की खेती के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इतनी ही मात्रा में आप अपने खेत में 1 एकड़ में खेती कर सकते हैं। कद्दू या पम्पकिन की उन्नत किस्में, उन्नत किस्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आपके क्षेत्र में जो किस्म या जो वैरायटी सबसे अच्छी तरह से विकसित होती हो उस किस्म का आप चयन करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कल्याणपुर पम्पकिन 1, अर्का चंदन, अम्बली CS14, CO1 एवं 2, पूसा हाइब्रिड,
पूसा विकास, पूसा विश्वास, काशी धवल, DAGH16, ये पंपकिन की कद्दू की उन्नत वैरायटियों में से एक हैं। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर अपनी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को बीज बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजों को थीरम या बाविस्टीन से उपचारित करके ही अपने खेत में लगाएं। कद्दू के बीजों को किसान अपने हाथों से रुपाई करता है। जो क्यारी हम बनाते हैं उन क्यारियों में कद्दू के बीजों को लगाना चाहिए। क्यारियों की जो दूरी रहती है 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए और बीजों से बीजों का अंतर 1.5 फुट का रखना चाहिए ताकि जब आपके पौधे विकसित हों तो उनकी बेलें आपस में ना टकराएं। पंपकिन ग्रोथ सक्सेसफुली करने में आपका खरपतवार नियंत्रण का बहुत ही महत्व होता है। यदि आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा होंगे तो आप अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए खरपतवार नियंत्रण कद्दू की खेती में बहुत ही महत्व रखता है। इसके लिए आप रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही तरीके अपना सकते हैं। रासायनिक तरीकों में आप रुपाई के 1-2 दिन बाद ही बासालिन का छिड़काव अपने खेत में कर रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, और प्राकृतिक तरीके से यदि आप नियंत्रण करेंगे तो बुवाई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, और यह निराई गुड़ाई फसल में आप कम से कम 4 से 5 बार फसल अवधि में करते रहना चाहिए। मिट्टी चढ़ाई का भी काम इसमें बहुत महत्व रखता है। जब आप निराई गुड़ाई करें तो कद्दू की जड़ों के आसपास मिट्टी चढ़ाने का भी काम आपके उत्पादन में और आपके सक्सेसफुल होने में बहुत मददगार साबित होगा। पंपकिन या कद्दू की विदेशी किस्में भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। यह भी काफ़ी मात्रा में लगाई जाती हैं, जैसे ग्रीन हवर्ड, गोल्डन हवर्ड, येलो स्टेट के नाम से कई आपको किस्म देखने को मिलेंगी। इसकी भी खेती किसान करके काफ़ी अधिक फायदा कमा रहे हैं। पंपकिन या कद्दू की खेती में खाद और उर्वरक की आवश्यकता। यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कद्दू की खेती में आपको आखिरी जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अपने खेत में मिलाना चाहिए। इसके लिए आपको 40 से 50 कुंटल गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद और उसके साथ 20 से 25 किलोग्राम नीम की खली, साथ ही साथ इसमें 30 किलो अरंडी की खली आपको अपने खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। और यदि आप रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। नाइट्रोजन, नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको खेत की तैयारी करते समय दे देनी चाहिए, तथा नत्रजन या नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 भागों में आपको देनी चाहिए, वो भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पहले आपको जब आपकी बेल 3 से 4 पत्तियों की हो जाए, और दूसरा आपको जब बेल में फूल आना चालू हो जाए तब नत्रजन की मात्रा आपको देना चाहिए। कद्दू की फसल या पंपकिन की खेती में आपको जो कीट और रोग लगते हैं उसकी रोकथाम कैसे करें। रेड पंपकिन बीटल सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है क्योंकि अंकुरण के बाद यह रोग दिखाई देना चालू हो जाता है। इसके जो कीट होते हैं पौधों की जड़ों से खाना चालू कर देते हैं, जिससे पौधा तुरंत आपका सूख जाता है और भारी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको ट्राइक्लोरोफेन या डाइक्लोरोबास का आपने खेत पर छिड़काव करना चाहिए। यदि आप जैविक नियंत्रण कर रहे हैं तो नीम के बीजों के पाउडर या निवोली के पाउडर का छिड़काव अपने खेत में कर देना चाहिए। उसके बाद फल मक्खी भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 cc 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क देना चाहिए,
और 10 दिन के अंतराल पर इसका दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए। जैविक नियंत्रण यदि आप कर रहे हैं तो फल मक्खी से ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और गर्मियों में गहरी जुताई करके जमीन को धूप लगा देना चाहिए। साथ ही साथ फलों की तुड़ाई का समय भी उचित समय पर उसकी तुड़ाई करना चाहिए। इसके अलावा एपी क्लेना बीटल भी कद्दू वर्गीय बेलों को नुकसान पहुंचाता है। चैंपा भी कद्दू वर्गीय बेलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको बुवाई से पहले कार्बोफ्यूरॉन 3G की 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिला देना चाहिए। इसके अलावा मेलाथियन 50 सीसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अपने खेत पर छिड़क देना चाहिए। 15-15 दिन के अंतराल से इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। पंपकिन में जो डिसीज लगती हैं, रोग लगते हैं, उसमें डाउनी मिल्ड्यू मुख्य रोग होता है। इसके लिए जिनेब 0.3% का छिड़काव अपने खेत में करना चाहिए। इसके अलावा चूर्ण आस्था रोग भी लगता है, इसके लिए केराथेन 0.2% का छिड़काव अपने खेत में करें किसान भाई। इसके अलावा झुलसा रोग जिसको ब्लाइट भी कहते हैं वह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए एंकोजेप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर अपने खेत पर छिड़काव करना चाहिए। फलों की तुड़ाई, कद्दू की बीज की रुपाई के लगभग 100 से 105 दिन बाद तुड़ाई के लिए फल तैयार हो जाते हैं। पके हुए फल पीले और सफ़ेद दिखाई देते हैं। आप यदि आप हरे फलों को तुड़ाई करते हैं तो 70 से 85 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, जिनकी आप तुड़ाई कर सकते हैं। जब फलों का आकार पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब तेज धार वाले हथियार से चाकू से उसके डंठल को काटना चाहिए और फल को डंठल सहित ही काटना चाहिए। उसके बाद उसकी सफाई करके बाजार में बेचने के लिए उसको भेजना चाहिए। कद्दू की फसल से खेती से कितनी पैदावार मिलती है तो किसान भाइयों मैं बता दूं, कद्दू की खेती यदि आप इस तरीके से करेंगे और सारे उसके रोग और खरपतवार नियंत्रण करते जाएंगे तो आपको कद्दू की खेती से औसतन 400 से 500 कुंटल उपज प्राप्त होगी। यह उपज आपको एक हेक्टेयर में 400 से 500 कुंटल उपज प्राप्त होगी, जिसका यदि बाजार भाव देखा जाए तो किसान भाई थोक भाव में भी 10 रुपए किलो के हिसाब से इसको बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस हिसाब से एक किसान एक हेक्टेयर में 5 लाख तक कद्दू की खेती से उपज प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है किसान भाइयों, यह पंपकिन की जो खेती मैंने आपको ग्रो करना सिखाई थी वह आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और आप भी कद्दू की खेती पंपकिन की कल्टीवेशन ऑफ पंपकिन आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो दोस्त पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।